सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीएम जौनपुर रेल फैन। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन या यू कह ले कि NER का, इंडियन रेलवे का एक आखिरी स्टेशन जो कि इस सेक्शन में पड़ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक लोकोमोटिव भी है, ये आप देख रहे हो, ये है एक लोकोमोटिव, यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव है। और ये जो रोड है ये चली जाती है बाहर की तरफ। और फिलहाल हम आए थे काठगोदाम, और आज की जो हमारी यात्रा होगी वो होगी रानीखेत एक्सप्रेस में काठगोदाम से गाजियाबाद तक की। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म की तरफ और दिखाते हैं अपनी ट्रेन और ऑनबोर्ड होते हैं अपनी ट्रेन में। ब्यूटीफुल एंट्रेंस के साथ हम घुसते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन में और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे शो कर रहा है रानीखेत एक्सप्रेस और बाघ एक्सप्रेस, क्योंकि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है बाघ और 1 नंबर पे रानीखेत एक्सप्रेस। और आगे बढ़ेंगे और सामने खड़ी है हमारी रानीखेत एक्सप्रेस। फिलहाल ये है हमारी ट्रेन का बोर्ड, हमारी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगाई गई है। चलते हैं अपने कोच की तरफ, और हमारा जो कोच है वो है S4 और S5। और हमारे साथ जर्नी में कुछ और भी लोग हैं, इसकी वजह से थोड़ा टिकट आगे पीछे हो गया है, S4 में भी है, S5 में भी है। तो चलिए चलते हैं आगे अंदर की तरफ। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की सुविधा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंडिकेटर, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और अनाउंसमेंट चल रही है हमारी ट्रेन की। फिलहाल काठगोदाम से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप होगा हल्द्वानी, उसके बाद आएगा रुद्रपुर, बिलासपुर, ऐसे करते हुए सारे स्टेशन आने वाले हैं, और मुरादाबाद आएगा। और मुरादाबाद से इसमें हमारा एक और लिंक ट्रेन अटैच होगी जो कि रामनगर से चलकर इससे मुरादाबाद में आएगी, और इसके पीछे अटैच होगी वो, और उसके बाद ये जैसलमेर तक पूरी तरह जाएगी। तो फिलहाल हमारी ट्रेन का लोको अटैचमेंट हो चुका है, और जैसा कि आपने कपलिंग में देखा किस तरह से अटैच होता है, आपने देख लिया है उसे। और फिर चलते हैं ट्रेन में, ऑनबोर्ड होते हैं, अपनी सीट पर चलते हैं और अपनी सीट लेते हैं, फिर आगे की यात्रा को संपन्न करते हैं। यहाँ से डिपार्चर का टाइम है 8:35, और उसके बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल के सीधा पहुँचेगी हल्द्वानी। सो फाइनली डिपार्चर हो चला है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, हमारा आगे की तरफ आने वाला है अगला स्टेशन हल्द्वानी, और हम पहुँचेंगे करीबन 3 से 3:30 के आसपास गाजियाबाद। तो मिलते हैं काठगोदाम फिर किसी नई यात्रा में, जिससे आपसे मिलेंगे। वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे पोल वगैरह लग चुके हैं, और जल्दी यहाँ पे वायरिंग शुरू हो जाएगी, दिसंबर तक का टारगेट है। दिसंबर तक हो सकता है यहाँ वायरिंग वगैरह हो जाए और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ से जल्दी शुरू हो जाए चलना, और डीजल सेक्शन ये भी एक ख़त्म हो जाएगा। फोन 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 ना चाहिए।
पानी भी लेना। तो भाई चादर वगैरह सब अलाउ हो गया इस ट्रेन में। सो फाइनली हॉन्किंग हो चला है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से और डिपार्चर ले चले हम हल्द्वानी से। और ये है हल्द्वानी का बोर्ड। मिलते हैं फिर हल्द्वानी में किसी नई यात्रा में। चलो फिर डिपार्चर और हल्द्वानी की कर्विंग। यहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वायर का पोल्स लग गए हैं। सामने आप देख सकते हो, देख रहे हो, ये पोल लग गए हैं हल्द्वानी में भी। ऑलमोस्ट इस पूरे रूट पे पोल लग चुके हैं। वायर की बात रह गई, अब वायरिंग होना बाकी है। वो भी जल्दी से जल्दी वायरिंग हो जाएगी। और बाकी ऐसा चल रहा है। बाकी आपको कर्विंग दिखाता हूँ सबसे, जो बहुत ही बेहतरीन कर्विंग है। अगर ये पोल ना होते ना तो ये कर्विंग बेस्ट है भाई, वन ऑफ द बेस्ट कर्विंग है ये, जो प्लेटफॉर्म से ऐसे निकलती, अलग ही लेवल है भाई। कर्विंग देख लो पूरी गाड़ी की, स्लो स्पीड में यहाँ से निकलती गाड़ी। और आगे सिग्नल आप देख सकते हो, दो रेड एक ग्रीन, हमारा लोकोमोटिव ट्रेन हमारी, और हल्द्वानी का बोर्ड जो अंधेरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है। चलो फिर आगे मिलेंगे रुद्रपुर में, बिलासपुर रोड में। और हम हमारे साथ आगे एग्जिट होने वाली है कुछ ट्रेनों के साथ, वो भी आप दिखाएंगे आगे। तो हल्द्वानी से निकलने के बाद हम आ चुके हैं लाल कुआं जंक्शन। और फिलहाल ऐसा है लाल कुआं रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रेन का जो नंबर है वो है 15014D2। हमारा कोच है S5, जो मैंने आपको शुरू में बताया। फिलहाल लाल कुआं जंक्शन पे हम आ चुके हैं और कुछ ऐसा है हाल लाल कुआं रेलवे स्टेशन का। और फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जिसे हमने जर्नी की थी गाजियाबाद से काठगोदाम तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिले थी। इसकी जर्नी आप ज़रूर देखिएगा। और ये है उसका लोकोमोटिव जो लीड किया था हमें गाजियाबाद से मुरादाबाद तक, और आज ये लीड कर रहा है मुरादाबाद से काठगोदाम तक। तो ये है उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ये है हमारी ट्रेन रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि काठगोदाम से चलकर जैसलमेर को जाती है। और फिलहाल डिपार्चर हो चला है हमारी ट्रेन का, हम चलते हैं फिर ऑनबोर्ड होते हैं। और डिपार्चर हो चला है लाल कुआं स्टेशन से आगे की तरफ रुद्रपुर बिलासपुर की तरफ। और ये छोटा सा डिपार्चर लाल कुआं जंक्शन से। सो फाइनली हम आ चुके हैं रुद्रपुर, रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन की बात करो तो यहाँ पे जो माल फ्रेट ट्रेनें आती हैं, माल गाड़ियाँ आती हैं, वो उनका आखिरी स्टॉप यहाँ पे है। तो सारी ट्रेनें जो आती हैं फ्रेट वगैरह, वो यहाँ पे रुकती है और यहाँ से उनका माल वगैरह उतारा जाता है और बाकी अलग ट्रक के ट्रांसपोर्ट द्वारा इसे भेजा जाता है। तो ये है कुछ, और ये है रेलवे स्टेशन। फिलहाल ये है रुद्रपुर रेलवे स्टेशन और कुछ प्लेटफॉर्म संख्या एक, एग्जिट पॉइंट इधर है। और डिपार्चर होगी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन। और अभी कुछ देर पहले हमने एग्जिट किया है काठगोदाम देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस से, हैं बहुत अच्छी ट्रेन थी वो। और फिलहाल हमारी ट्रेन का हॉन्ग हो चला है, डिपार्चर लेते हैं यहाँ से। फिलहाल हमने डिपार्चर ले चले हैं रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन से। और ये है रुद्रपुर, समोसे मिल रहे हैं यहाँ पे,
और ये है स्टेशन का हाल। तो फिर मिलते हैं आपसे आगे बिलासपुर और मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में हम पियेंगे मुरादाबाद की स्पेशल चाय। तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं रामपुर स्टेशन, और ये है रामपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंट्रेंस, और यहाँ पे उतरे हैं पिंटू भाई और संदीप भाई। हेलो कर दो, हेलो। और मुरादाबाद रुकेगी, अब रफ्तार पकड़ेगी, मुरादाबाद रुकेगी सीधा, मुरादाबाद के बाद हापुड़, फिर गाजियाबाद आ जाएगा हमारा स्टेशन। फिलहाल ऐसा है भाई, रामपुर रेलवे स्टेशन, यात्री लोग सारे बैठ गए ट्रेन में, और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन यहाँ से निकल के सीधा रुकेगी मुरादाबाद, और मुरादाबाद में पियेंगे चाय। हैं, और मुरादाबाद में 40 मिनट का हॉल्ट है, संदीप भाई और मुरादाबाद की फेवरेट चाय पिलाएंगे अपनी। ट्रेन ने हमको बिफोर टाइम पहुंचाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और गाड़ी पूरी रफ्तार से भागी और बिफोर टाइम आई है, और साफ सफाई बिल्कुल मेंटेन रही है। चादर मिल रही है इसमें? हाँ हाँ, वो तो सब मिल, एसी कोचेस में मिल रहे हैं। और स्लीपर तो खुद लेके आओगे?